रद्दे राख पार्ट 5। आज हम आपको दिखाएंगे कि वादी उस-सलाम में मुर्दों को किस तरह दफन किया जाता है और यहाँ की कब्रें कैसी होती हैं। ये एक कब्र है, इसको मास ग्रेव भी कह सकते हैं, जो कि ज़मीन के काफ़ी नीचे बनाया जाता है। इस पर्टिकुलर कब्र में सिर्फ एक फ्लोर है जिसमें 20 कब्रें मौजूद हैं, लेकिन वादी उस-सलाम में ऐसी भी कब्रें हैं जिसमें बिल्कुल इसी तरह के 2-3 लेवल्स या फ्लोर्स तक अंडरग्राउंड बने होते हैं, यानी एक के ऊपर एक फ्लोर, और हर फ्लोर पर इसी तरह 20 या उससे ज़्यादा कब्रें, यानी एक कब्र में या सिर्फ इतने से एरिया में 60 से 80 या उससे भी ज़्यादा मुर्दे दफन हो सकते हैं। ये जो कब्रें आप ओपन देख रहे हैं, इसमें जब मुर्दे को दफन कर दिया जाएगा उसके बाद बस इस तरह से इस कब्र को बाहर से बंद कर देते हैं। ऐसी कब्र को बनाने के लिए एक फैमिली या ख़ानदान मिलकर कुछ जगह खरीद लेता है, क्योंकि यहाँ ज़मीन बहुत महंगी है, और फिर काफ़ी गहरा यानी 2-3 लेवल तक का मल्टी लेवल ग्रेव बना लेते हैं जिसमें 50 से 80 कब्रें तक हो सकती हैं।